Awesome. A very healthy morning and welcome back to our YouTube channel, my dear viewers. कैसे हैं आप सभी लोग? आज का जो information हम आपके साथ share करने वाले हैं friends, ये water soluble vitamins के बारे में information रहने वाला है. आपने कुछ समय पहले ही हमारे fat soluble vitamins के जितने भी vitamins हैं, vitamin A, D, E and even vitamin K, उसकी information हमने share करी थी. अगर आपने वो information miss किया है तो उसका link आप description में जरूर से check out करें and go through करें. आज का जो information रहने वाला है friends, ये vitamin B1 के बारे में रहने वाला है. जैसे कि आपको हमने पहले inform किया था, जो water soluble vitamin है and fat soluble vitamins है, उनमें से जो water soluble vitamin है उसमें विटामिन बी आता है, विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स आते हैं एंड विटामिन सी आता है. सो आज का जो इंफॉर्मेशन रहने वाला है वो विटामिन B1 के बारे में रहने वाला है एंड वी आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज विटामिन B1 का जो इंपॉर्टेंस है हमारे हेल्थ के लिए, हमारे वेलबींग के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो क्विकली हम ये इंफॉर्मेशन स्टार्टअप करते हैं फ्रेंड्स, समझने के लिए कि विटामिन B1 के सोर्सेस क्या है, इसके फंक्शंस क्या है. अगर विटामिन बी की न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में कम होती है तो क्या चैलेंजेस देखने में आ सकते हैं. सो क्विकली आगे हम बढ़ते हैं ये इंफॉर्मेशन के लिए विटामिन B1 के बारे में. इसकी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स विटामिन बी के बारे में, तो ऐसा स्टडी में आया है कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ ह्यूमंस, यस 50% ह्यूमंस जो हैं फ्रेंड्स, वो डेली रिक्वायरमेंट अपना B1 का पूरा कर पा रहे हैं एंड बाकी जो 50% ह्यूमंस है वो विटामिन B1 की पूर्ति ही नहीं कर पा रहे हैं. ये बहुत ही सोचने वाली बात है फ्रेंड्स. दूसरे, अगर एक एवरेज अडल्ट की अगर हम बात करें तो उनकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट रहती है विटामिन B1 की फुल डे में, इट शुड बी 1 to 1.2 मिलीग्राम. एंड अगर आप का शरीर प्रेग्नेंट वुमन में है तो आप इस कैटेगरी में 1.4 मिलीग्राम पर डे की रिक्वायरमेंट आपकी रहती है विटामिन B1 की. विटामिन B1 का अगर हम केमिकल नेम की बात करें तो इनका केमिकल नेम थायमिन है. एंड आपके जो टॉपिक हम आपको डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर आपको जरूर से ध्यान देना है, वो है विटामिन B1 के फंक्शंस के बारे में फ्रेंड्स. विटामिन B1 का जो फंक्शन है उसका प्रीमियर फंक्शन है नर्वस हेल्थ. हमारे बॉडी का जो नर्व हेल्थ है इसके लिए बहुत बड़ा रोल हमारा बॉडी का विटामिन B1 करता है. अगर आपको पता नहीं है फ्रेंड्स तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ, हमारा जो नर्व है वो एक प्रोटेक्टिव इंसुलेशन के साथ में आता है, कवर आता है, जिसे माइलिन कहते हैं एंड जिसके वजह से हमारा नर्व हेल्थ बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता है. एंड ये जो प्रोटेक्टिव इंसुलिन लेयर है जिसे माइलिन कहते हैं, ये माइलिन का प्रोडक्शन तभी पॉसिबल होता है जब हमारे बॉडी में विटामिन B1 की मात्रा पर्याप्त में हो. देन उसका दूसरा इंपॉर्टेंट रोल और इंपॉर्टेंट फंक्शन हम देखें विटामिन B1 का, तो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन ट्रांसमिशन में आता है, रिएक्शंस में आता है हमारे शरीर में, सिग्नलिंग पास करने में विटामिन B1 का बहुत बड़ा रोल है. एक केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है हमारे शरीर में जिसका नाम एसिटाइलिन कोलाइन है एंड ये एसिटाइलिन कोलाइन ही हमारे बॉडी में सिग्नल ट्रांसमिशंस एंड रिएक्शंस करवाने में मदद करता है. अगर विटामिन B1 की कमी हमारे शरीर में हुई तो फ्रेंड्स ये जो ट्रांसमिशंस है, ये जो सिग्नलिंग पास का जो प्रोसेस है ये स्लो हो जाएगा. देन अगर तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन हम विटामिन B1 का देखें तो विटामिन B1 हमारे शरीर में जो हम फूड प्रोवाइड कर रहे हैं उसको एनर्जी कन्वर्ट करने में मदद करता है, जिसके वजह से फिर हम सारे काम कर सकते हैं. इसका एक स्पेशल फंक्शन देखने में आता है हमारे डाइट्री कार्ब्स में, जब ये डाइट्री कार्ब्स को एनर्जी में कन्वर्ट करता है और उस एनर्जी का जो नाम है उस एनर्जी को एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है. देन विटामिन B1 का एक मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रीमियर फंक्शंस जो हमारे शरीर में देखने में आता है वो है हेल्दी आई साइट के लिए या हेल्दी आई विजन के लिए. रिसर्चेस एंड स्टडीज ऐसे आए हैं जिसमें पता चला है कि अगर आप अपने शरीर में विटामिन B1 पर्याप्त मात्रा में प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारे शरीर में जो समय के साथ कैटरैक्ट या ग्लैकोमा डेवलपमेंट होता है उसे प्रिवेंट करने में विटामिन B1 बहुत अच्छे से मदद करेगा. आगे हम विटामिन B1 के सोर्सेस और इसके डेफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो आप इसके सोर्सेस देख सकते हैं. अगर आप वेजिटेरियन सोर्स देख रहे हैं तो विटामिन B1 हमें सनफ्लावर सीड्स में प्रोवाइड किया जा सकता है, पम्पकिन सीड्स में इसके न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, नट्स है, बीन्स है एंड इवन लेंटिल्स में आपको विटामिन B1 पाया जाता है. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं या नॉन वेज सोर्स देख रहे हैं विटामिन B1 का, तो विटामिन B1 हमें पोर्क में पाया जा सकता है, सैल्मन है, फिशेस है जिसमें विटामिन B देखी जाती है.
अगर विटामिन बी की कमी हमारे शरीर में होती है तो किस तरीके की बीमारी या डिजीज देखने में आती है, ये चीज़ पे आप गौर कर सकते हैं फ्रेंड्स। जो मेन डेफिशिएंसी विटामिन बी वन का देखने में आता है वो है बेरी बेरी। एंड ये जो बेरी बेरी है फ्रेंड्स, इसे दो पार्ट्स में हम कैटेगराइज कर सकते हैं, क्योंकि ये दो टाइप के बेरी बेरीज देखने में आते हैं। पहला जो कैटेगरी है वो है वेट बेरी बेरी। वेट बेरी बेरी में हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो हाईली इफेक्ट करता है, एडवर्सली इफेक्ट करता है, जिसके वजह से लेटर इन द स्टेजेस अगर आपको बहुत कमी है विटामिन बी वन की तो वेट बेरी बेरी में अल्टीमेटली हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट फेलियर जैसे केसेस देखने में आ सकते हैं। दूसरे टाइप ऑफ डेफिशिएंसीज की अगर हम बात करें तो इसमें ड्राई बेरी बेरी कवर होता है। ड्राई बेरी बेरी में फ्रेंड्स ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में नहीं बट हमारे बॉडी का नर्वस सिस्टम में बहुत एडवर्सली इफेक्ट करता है। और अगर विटामिन बी वन की हाईली डेफिशिएंसी हमारे शरीर में देखने में आई तो ये जो ड्राई बेरी बेरी है ये हमारे बॉडी का डीजनरेशन करता है, नर्व्स का, मसल्स एट्रोपी की शिकायत देखने में आ सकती है। सो दिस इज ऑल जो मुझे आज आपके साथ शेयर करना था अबाउट विटामिन बी वन। आने वाले वीडियोस में हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के दूसरे विटामिन भी कवर करेंगे। अगर आज आपको हमारा इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो इसे ज़रूर से लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ज़रूर से ये वीडियो शेयर करें। एंड टिल देन यू प्लीज़ डू टेक केयर of your health and your family. Have a nice day.